हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सन स्टार्डस्ट में। वीवर साल 2022 के एंड में 24 दिसंबर 2022 को इंडियन टीवी और फिल्म की एक्ट्रेस तनुषी शर्मा की डेथ हुई, जो इनकी एज सिर्फ 20 साल थी। यंग एज में होने वाली इस डेथ ने सभी को शॉक कर दिया और हमें याद दिला दी दिव्या भारती, जया खान और सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी डेथ यंग एज में हुई थी। तो इस तरह तनुषा शर्मा की डेथ ने भी न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया को भी शॉक कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम 40 के लगभग यंग एज में जिन एक्टर्स की डेथ हुई है उनकी डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इधर सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मलयालम और तमिल इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शोभा का, जिनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1962 को और 1 मई 1980 को इनको मार दिया गया था। और इन्हें मारा था फिल्म डायरेक्टर बोला महेंद्र ने और समय शोभा की एज सिर्फ 17 साल थी। हिंदी और तेलुगु सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस दिव्या भारती, जिनका जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ और 5 अप्रैल 1993 को एक्सीडेंटली ये अपनी बालकनी से गिर जाती हैं, जिसके कारण इनकी डेथ होती है और उस समय इनकी एज सिर्फ 19 साल थी। इंडियन टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस तनुषा शर्मा, जिनका जन्म 4 जनवरी 2002 को हुआ था और 24 दिसंबर 2022 को अपने सीरियल की सेट पर ये अपने हाथों खुद अपनी जान गंवा देती हैं और उस समय इनकी एज सिर्फ 20 साल थी। तमिल सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस मोनल, जिनका जन्म 26 जनवरी 1981 को हुआ और 14 अप्रैल 2002 को उन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई और उस समय उनकी एज सिर्फ 21 साल थी। तमिल, कर्नाटका और मलयालम लैंग्वेज की स्टार एक्ट्रेस मयूरी, जिनका जन्म 1983 को हुआ और 16 जून 2005 को उन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई और उस समय उनकी एज सिर्फ 21 या 22 साल रही थी। तमिल और तेलुगु सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस फटाफट लक्ष्मी, जिनका जन्म 1 नवंबर 1958 को हुआ और 21 नवंबर 1980 को इन्होंने भी अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई और उस समय इनकी एज सिर्फ 22 साल थी। तमिल और मलयालम लैंग्वेज की स्टार एक्ट्रेस मोनिशा उन्नी, इनका जन्म 24 जनवरी 1970 को हुआ और 5 दिसंबर 1992 को कार एक्सीडेंट के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 22 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर हेमंत, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1989 को हुआ और 3 जुलाई 2013 को इन्होंने अपने हाथों खुद अपनी जान गंवाई और उस समय इनकी एज सिर्फ 24 साल थी। तेलुगु और तमिल सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस प्रत्युषा, जिनका जन्म 10 अगस्त 1991 को हुआ और 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने भी अपनी जान अपने खुद हाथों से गंवाई और उस समय इनकी एज सिर्फ 24 साल थी। टीवी सीरियल के लिए प्लेबैक सिंगर भार्गवी, जिनका जन्म 1983 को हुआ और 16 दिसंबर 2008 को इन्होंने जहर खाकर अपनी जान ली और उस समय इनकी एज सिर्फ 25 साल थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस जया खान, जिनका जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ और 3 जून 2013 को इन्होंने भी खुद अपनी जान अपने हाथों गंवाई, उस समय इनकी एज सिर्फ 25 साल थी। इंडियन टीवी इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस सेजल शर्मा, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1994 को हुआ और 25 जनवरी 2020 को इन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई और उस समय इनकी एज भी सिर्फ 25 साल थी। तेलुगु सिनेमा के एक्टर और मॉडल श्री वास्तव चंद्रशेखर, जिनका जन्म 20 मई 1995 को हुआ और 3 फरवरी 2021 को इन्होंने भी अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई, उस समय इनकी एज सिर्फ 25 साल थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर कुणाल सिंह, जिनका जन्म 29 सितंबर 1977 को हुआ और 7 फरवरी 2008 को इन्होंने भी अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई और उस समय इनकी एज सिर्फ 30 साल थी। तेलुगु सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन एक्टर सुनील, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1964 को हुआ और इनकी डेथ 24 जुलाई 1994 को एक कार एक्सीडेंट के कारण हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 30 साल थी। तेलुगु सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस आरती अग्रवाल, जिनका जन्म 5 मार्च 1984 को हुआ और 6 जून 2015 को दिल की धड़कन रुक जाने के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 31 साल थी। हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम और कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ और 13 दिसंबर 1986 को बच्चे के पैदाइश के दौरान, यानी प्रातिक बबर की पैदाइश के दौरान उनको चाइल्ड बर्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई जिसके कारण उनकी डेथ हुई और उस समय उनकी एज सिर्फ 31 साल थी।
तेलुगु सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस सौंदरिया, जिनका जन्म 18 जुलाई 1972 को हुआ और 17 अप्रैल 2004 को एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने के कारण उनकी डेथ हुई और समय उनकी एज सिर्फ 31 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सुशील गौड़ा, जिनका जन्म 1989 को हुआ और 7 जुलाई 2020 को इन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई, उस समय इनकी एज सिर्फ 31 साल थी। तेलुगु सिनेमा के स्टार एक्टर उदय किरण, जिनका जन्म 26 जून 1980 को हुआ और 5 जनवरी 2014 को इन्होंने खुद अपनी जान अपने हाथों गंवाई, उस समय इनकी एज 33 साल थी। इंडियन टीवी की स्टार एक्ट्रेस दिव्या भटनागर, जिनका जन्म 15 सितंबर 1986 को हुआ और 7 दिसंबर 2020 को कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 34 साल थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के शाइनिंग सुपरस्टार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ और इनकी डेथ 14 जून 2020 को दम घुटने के कारण हुई और उस समय इनकी एज 34 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर चिरंजीवी सरजा, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1984 को हुआ और 7 जून 2020 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 35 साल थी। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कर्नाटका और हिंदी सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस सिल्क स्मिता, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1986 को हुआ और 23 दिसंबर 1996 को इन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों गंवाई, उस समय इनकी एज सिर्फ 35 साल थी। तेलुगु सिनेमा के स्टार एक्टर इष्टम चरण, जिनका जन्म 15 जून 1975 को हुआ और 19 मार्च 2012 को इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण डेथ हुई और समय इनकी एज सिर्फ 36 साल थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर जेष्णु, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1979 को हुआ और 25 मार्च 2016 को इनको फेफड़े के कैंसर के कारण इनकी डेथ हुई, उस समय इनकी एज सिर्फ 36 साल थी। हिंदी सिनेमा की 50 और 60 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस मधुबाला, जिनका जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था और 27 फरवरी 1969 को इनकी डेथ हुई और इनकी डेथ का कारण बना था इनकी दिल की बीमारियां, जिनसे वे काफी अरसे से जूझ रही थी और बल आखिर इसी के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 36 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर संचारी विजय, जिनका जन्म 17 जुलाई 1983 को हुआ और 15 जून 2021 को एक एक्सीडेंट के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 37 साल थी। इंडियन टीवी के स्टार एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1980 को हुआ और 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 40 साल थी। तेलुगु टीवी और फिल्म के स्टार एक्टर अच्युत, जिनका जन्म 1960 को हुआ और 26 दिसंबर 2000 को हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई, उस समय इनकी एज 41 या 42 साल रही थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर इंद्र कुमार, जिनका जन्म 26 अगस्त 1973 को हुआ और 28 जुलाई 2017 को इनको दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 43 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर बुलेट प्रकाश, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1976 को हुआ और 6 अप्रैल 2020 को इनका किडनी फेलियर के कारण डेथ हुई और उस समय इनकी एज 44 साल थी। तमिल सिनेमा के स्टार एक्टर नितेश वीरा, जिनका जन्म 1975 या 1976 को हुआ और 18 मई 2021 को कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज 45 साल थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर विनोद मेहरा, जिनका जन्म 13 फरवरी 1945 को हुआ और 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज भी 45 साल थी। कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ और 29 अक्टूबर 2021 को इन्हें एक सीरियस हार्ट अटैक हुआ, जिनके कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज 46 साल थी। तमिल और तेलुगु सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस और डांसर सावित्री, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1935 को हुआ और 26 दिसंबर 1981 को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण इनकी डेथ हुई और समय इनकी एज 46 साल थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर रघु वरन, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1958 को हुआ और 19 मार्च 2008 को उनके जिस्म के बहुत सारे अज़ा फेल हो गए थे, जिसके कारण उनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज सिर्फ 49 साल थी। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और डायरेक्टर रितु पूर्णा घोष, जिनका जन्म 31 अगस्त 1963 को हुआ और 30 मई 2013 को हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज 49 साल थी।
तेलुगु सिनेमा के स्टार एक्टर श्री हरि, जिनका जन्म 15 अगस्त 1964 को हुआ और 9 अक्टूबर 2013 को जिगर की बीमारियों के कारण इनकी डेथ हुई और उस समय इनकी एज 49 साल थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज की यंग एज में डेथ हुई है उनकी डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की। तो आज की इस वीडियो में मौजूद इन सभी सेलिब्रिटीज में आप किस किस सेलिब्रिटीज को दिल से मिस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।